Assalamu alaikum everyone, I am Muhammad Abdullah and today I am Muhammad Abdullah from MAPS and I'm serving as a General Secretary MAPS. So aaj jo hamara session hai wo kuch is tarah hai ki pandemic situation mein COVID-19 ki wajah se hum jis tarah isolation mein har koi hai to usme kafi hame issues aa rahe hote hain apni fitness ke according. So humne socha kyun na uske upar ek session conduct kiya jaye isolation ke andar fitness ko kis tarah aap apne maintain rakh sakte hain. तो उसके ऊपर आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिन्होंने हम उनको गेस्ट एज अ स्पीकर बुलाया है वो हमारे साथ हैं हाफिज हमायो वासिर. वो बेसिकली जो है वो डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड साइंसेज हैं और वो यूएसए सर्टिफाइड हैं. तो कुछ ही देर में हम उनको अपने साथ लाइव लेंगे और इंशाल्लाह बल्कि वो हमारे साथ इस टाइम लाइव ही हैं. और हमायो कैसे हैं आप मुझे बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. तबीयत कैसी आपकी? ठीक, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अभी तक तो सेफ है. माशाल्लाह दैट्स गुड. तो आप हाफिज हमायो, आप मुझे सर ये बताएं कि राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है और लोग जो थोड़ी पेंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा टेंस हैं और काफी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रहा है अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लोग जो हैं ये COVID-19 के अकॉर्डिंग कुछ अनहेल्दी हैबिट्स कर रहे होते हैं, उनके अंदर अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं, कुछ चीजें इस तरह की वो कर रहे होते हैं कि उनके लिए वो यानी कि एक डेंजरस साइड पे लेके जा रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें क्या बताना चाहेंगे, लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? देखें, जैसे कि मैं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर बैठता हूँ और मैं डेली पेशेंट्स देखता हूँ और जो मुझे मेन चीज जो सबसे अनहेल्दी जो एक्टिविटी फील जो नजर आ रही है वो ये है कि स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया लोगों का. ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न लोग जो है वो सारी सारी रात जाग रहे हैं, मतलब जिस तरह सीजन चल रहे हैं लोग सीजन देख रहे हैं सारी सारी रात और सारा दिन वो सो रहे हैं. ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न जो है ना हमारा वो एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, उसने ही हमारे हार्मोन को बैलेंस करना. ठीक है, हमारे हार्मोन जो है वो स्लीपिंग पैटर्न की वजह से जो है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं. ठीक है, उसकी वजह से फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से पीसीओएस भी काफी पीसीओएस की एक बहुत बड़ी जो कॉज है ना वो ये है, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक डिजीज है, सिंड्रोम है. ठीक है, और वो बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स के अंदर. ठीक है, उसकी एक कॉज ये भी है. ठीक है, तो ज्यादातर जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ वो यही देखता हूँ और इसकी एक कॉज ये बहुत ज्यादा है कि स्लीपिंग पैटर्न जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं और अनहेल्दी एक्टिविटी. और जैसे कि हम घर के अंदर है तो कुछ लोग जो है वो कभी मतलब के डिशेज वगैरह जो है वो बना रहे हैं, अननेसेसरी जो फूड है ना वो खा रहे हैं, बेतुक्का जिसे हम कहता खाना, मतलब कि भूख नहीं भी लग रही फिर भी हम इमोशनली होके खा रहे हैं, कुछ स्ट्रेस में ज्यादा खा रहे हैं. और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें फिर इस सिचुएशन में हमें ऐसा कौन सा फूड जो कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमें हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमें उनको फूड कंज्यूम करना चाहिए, तो उसके बारे में भी इनको गाइड करें, हमें गाइड करें थोड़ा सा उसके बारे में. इस सिचुएशन को देखते हुए मोस्टली तो पाकिस्तान में स्टेपल फूड जो हमारा वो रोटी है. ठीक है, और चावल है, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब कि रोटी के साथ हम आलू भी खा रहे होते हैं, मटर भी खा रहे होते हैं, चावल भी खा रहे होते हैं, चावलों के साथ भी आलू और मटर ले रहे होते हैं. ठीक है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स है. ठीक है, हमारी जो मोस्टली जो डाइट है ना वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो प्रोटीन का जो है वो नामो निशान ही नहीं है. ठीक है, अगर मैं पेशेंट की हिस्ट्री देता हूँ तो वो अंडा कभी कभी खाता है. ठीक है, सलाद वो खाता ही नहीं. ठीक है, माइक्रो उसके पूरे नहीं हो रहे होते. ठीक है, तो इस वजह से हमें हाई प्रोटीन चीजें भी अपनी डाइट के अंदर यूज करनी चाहिए. ठीक है, एक कंसेप्ट होता है माई प्लेट का, जिसके अंदर हर फूड ग्रुप के अंदर से आपको एक एक चीज लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स लेना चाहिए हमें, एक प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए, ग्रेन्स का सोर्स लेना चाहिए, फ्रूट्स का सोर्स लेना चाहिए और डेयरी सोर्स एक लेना चाहिए. ठीक है, हर फूड ग्रुप से एक कंप्लीट चीज हमारे पास एक मील होना चाहिए. ठीक है, मोस्टली जैसे कि हम लोग जो है आजकल बहुत कह रहे हैं कि वाइटामिन सी यूज करना चाहिए, तो इस तरह की चीजें जो है वो यूज करनी चाहिए, लेकिन सलाद जो है वो आजकल मस्ट होनी चाहिए आप लोगों के खाने के अंदर. ठीक है, हाई प्रोटीन फूड जो है वो इंटेक करें ताकि जो है वो बॉडी को जो है वो पावर भी मिले, इम्यूनिटी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इम्प्रूव हो. सही. तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको हमने बूस्ट अप रखना है, जिस तरह के हर बंदे को पता है आजकल जितने भी हमें बात मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है. अगर हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस डिजीज से हमें अगर फाइट करनी है तो अपनी इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रांग रखना है, तो उसको हम स्ट्रांग रखने के लिए हमें बताएं कि हमें ऐसी क्या एक्सरसाइज या हमें ऐसी क्या डाइट करनी चाहिए कि वो हमारा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग रहे. बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है ना उसको हमेशा इम्प्रूव किया जाता और मेंटेन किया जाता. ठीक है,
तो इसके अंदर काफी ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह पहले मैंने स्लीपिंग पैटर्न की बात की, ठीक है, क्योंकि उसने आपके हार्मोन भी बैलेंस करना है, तो इसके अंदर हार्मोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमें डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, आल्सो नोन एज डिफेंस सिस्टम, जिसने माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को डिफेंस करना है, ठीक है। मतलब कि छोटा मोटा वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो इसके खिलाफ लड़ेगी उससे हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है तो इम्यूनिटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो हमारा बुखार जो है वो 3 से 4 दिनों में ठीक कर देती है, ठीक है। बुखार से बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाता है हमारी बॉडी में तो इम्यूनिटी ने जो है वो उसे रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। तो अब इसे हमने मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, और इंक्रीज कैसे करते हैं इसे, इसके वैसे सर पहले तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट हो आपकी, ठीक है, बैलेंस डाइट हो। हाई प्रोटीन से मना दिया नहीं कि आप बहुत हाई प्रोटीन लें, ठीक है। अगर आप 40% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 20% जो है वो आप प्रोटीन लाजमी लेंगे, ठीक है। और फैट्स जो है वो 30% लाजमी चाहिए। मोस्टली जो हम लोग लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ही ले रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन थर्ड चीज आ जाती है वो ये है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं करते हैं, ठीक है। खाना खा के जो बिल्कुल है वो जी, हम लोग फिर दोबारा लेट जाना और सीजन वगैरह देखना या कुछ भी करना, ठीक है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आजकल है ही नहीं लोगों की, ठीक है। तो घर में रह के तो फिजिकल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए हम लोगों को फिट रहने के लिए कि हम लोग कैसे अपने तो आप को फिट ये रहें। सेल्फ मोटिवेशन में मैंने अक्सर देखा है, जितना हम लोग भी जितना हम लेट सपोज लोग जिम ज्वाइन करते थे, लेकिन अब तो आइसोलेशन में आपके घर होता है, लोग ज्वाइन करते हैं अपनी मीन्स की अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन तक, 3 दिन तक करते हैं, चौथे दिन में आके उनका दोबारा से उनकी वो मोटिवेशन डाउन डाउन हो जाती है और वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उस हाँ चीज को उनको कितना बैलेंस करना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि पीयर प्रेशर भी आ जाता है, ठीक है, और कुछ फैमिली का माहौल, ये सारी चीजें जो है ये काउंट करती है, ठीक है। एक जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं, ठीक है, अब एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है वो आप मतलब कि सारे लोग जो है वो खाने पीने वाले हैं बहुत ही, ठीक है, और आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा जब तक वो आपके साथ ही देंगे, ठीक है। जब भी एक आपको एक चीज वेट लॉस के अंदर जाना है, कोई भी डिजीज से रिकवरी करनी है, तो आपको पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, ठीक है, फॉर मॉरल सपोर्ट के लिए आपको, ठीक है। तो ये इस जब आपने वेट लॉस करना है, अपने आपको फिट रखना है, तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जब पहले बिल्कुल तो मैं तो पेशेंट को पहले यही कहता हूँ कि आपने जब भी वजन कम करना है, अपना मोटापा कम करना, आप सोच लें कि आपने करना, आपने किसी को नहीं देखना। लोग पहले तो बातें करेंगे, ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जब रिजल्ट आता है तो वही फिर पेशेंट बन के दोबारा मेरे पास आ जाता है, ठीक। जो लोग उनको सही तनकीद सही भी कर रहे थे, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब कि आप सेल्फ मोटिवेशन इसकी बहुत है, वो खुद से आप एक सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है कि अब मैंने करना ही है, अब मैं बस हो चुका है तो मैंने करना है। और आप इस आइसोलेशन के अंदर रह के कैसे करना है, वो ऐसे करना कि आपने अपने स्लीपिंग पैटर्न को बस चेंज करना है, ठीक है। आप सुबह जल्दी उठे, ठीक है, नमाज का टाइम उठे, अपना प्री वर्कआउट उठे, उसके बाद घर के अंदर ही वॉक करें, या इतने ज्यादा वर्कआउट प्लान है कोई भी एक वर्कआउट प्लान जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट आपने, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को यानी कि बूस्ट अप रखने के लिए हमारा यानी कि रेस्ट करना यानी कि सोना बहुत बहुत मस्त हाँ यानी कि बहुत लाजमी है, टाइम पे और सोना, टाइम पे सोना, नींद को पूरा जरूरी रखना। हाँ ठीक 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 तो अच्छा, उसके टाइम पे साथ सोना, अब वेट लॉस की, बिल्कुल वेट लॉस की बात हो रही थी, तो इसके अंदर हमारी जो खवातीन है जो उनका ज्यादातर इसी बात पे माइंडसेट होता है कि हमने हमारा वेट घर में बैठे हुए बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसके ऊपर जरा उनकी तरफ आते हैं, उनके लिए हमारे लिए मतलब उनके लिए ऐसी क्या चीज है कि जो वो मीन्स के जब उनका वेट लॉस लूज सॉरी वेट जब इंक्रीज हो रहा होता है तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, अगर आप मीन्स के उसके अकॉर्डिंग फिर भाग के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने लग जाती हैं कि वो उनकी हेल्थ के लिए उनका नुकसानदेह होती है, मीन्स के कोई ना कोई वो अचानक खाना छोड़ देंगी, उनकी डाइट प्लान बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो किसी कंसल्टेंट या किसी न्यूट्रिशन से कंसल्ट नहीं करेंगे और अपने उनके कोर्ट के घरों वाले जो स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जरा गाइड करें कि वो इस चीज को किस तरह अपना मेंटेन कर सकती हैं और ये घर वाले टोटकों से जरा बच के और ये जरा डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करके अपने न्यूट्रिशन के बारे में जरा उनको बताएं कि वो किस तरह मेंटेन करें। बेसिकली हम लोगों के यहाँ पे कंसेप्ट बना हुआ है कि जो डाइट है ना वो भूखा रहना है, हम लोगों ने सारा दिन भूखा रहना है या कुछ थोड़ा सा खा लेना तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। या लीमू के अंदर पानी डाल, पानी के अंदर लीमू डाल के पीना, ठीक है, सिरका डाल के पीना, शहद डाल के पीना, ये सारी चीजें जो आता है, और जो मतलब कि अब तिब्बे नबी के अंदर भी आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, नहार को पानी नहीं पीना बिल्कुल चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ ज्वाइंट पेन की सरल, क्योंकि रात को हम सारी रात, एक और रीजन भी बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सुबह टाइम टोटके यूज करते हैं, ठीक है। सुबह टाइम जब हम उठते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फास्टिंग के अंदर होती है,
ठीक है। और जब फास्टिंग में बॉडी होती है तो पानी हम लोग पीते हैं। पानी की ये खासियत ये है कि प्रॉपर्टी आती है कि वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हम लोगों को तो एनर्जी चाहिए बूस्टअप करने के लिए। तो खजूर एक ऐसी चीज है, चाहे आप वजन कम भी कर रहे हैं या आप गेन भी कर रहे हैं, तो खजूर जो है वो आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है उस टाइम पे, तो प्री ब्रेकफास्ट के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मीन्स जो की ये जो एक रूल डाइट, होता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मीन्स की ये जो एक मैं उन्होंने आपको, बात कही हाँ है कि सुबह उठ के आपने हार्मोन पानी पिए, तो ये चीज जरा गलत है। हाँ ये बहुत गलत है। ये छोटी छोटी चीजें पैटर्न ठीक करने आते हैं, जिस तरह मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ना वेट लॉस के, जो खवातीन के लिए है, ठीक है। फर्स्टली तो उन्होंने जो है वो सारी ऑयली चीजें और फ्राई चीजें और देसी घी वगैरह इस तरह की चीजें उन्हें छोड़नी है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो एक हमारी पाकिस्तानी आवाम का बहुत ज्यादा मसला, हमने कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमने कम करना है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या लेते हैं, चाय, हर खाने के बाद फौरन बाद चाय 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 चाय, ठीक है। तो चाय जो है वो एक बेसिकली आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन इनहिबिटर है आपका, ठीक है। फौरन बाद मील के या फौरन साथ मील के चाय नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक टोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वो टोरिक एसिड आपके खाने की जो मील की कैल्शियम और प्रोटीन है उसको वो इनहिबिट कर देता है, उसके साथ अपने से उसको जोड़ लेता है और फिसिस के थ्रू से निकाल देता, ठीक है। बल्कि किसी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता टोरिक एसिड, तो ये एक बहुत नुकसान है, ठीक है। फीमेल्स का एक साइकिल आना वैसे, सबसे पहले उन्हें जो है वो इश्यूज आते हैं वेट लॉस की वजह। वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो फीमेल्स के लिए बहुत बुरी चीज है और वो हर बीमारी की कॉज ही है फीमेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पोर्शन साइज कम करना, ठीक है। एक तो ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न ठीक, सबसे पहले जल्दी उठना, ठीक है। एक्टिविटी जो है सुबह मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा भूखे रह रहे होते हैं, और उनको पता है जो है वो कम नहीं होता, वो कम नहीं होता। हम लोगों ने फैट मास कम करना, मसल मास को नहीं कम करना, ठीक है। तो स्लीपिंग सही पैटर्न ठीक करना है, एक फास्ट लास्ट में करना है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है या फीमेल बहुत ज्यादा मोटी है, बहुत ज्यादा ज्यादा लग रही है, ठीक है, सबसे पहले पोर्शन साइज कंट्रोल किया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो एक रोटी खाती है नाश्ते में, एक दोपहर खाने में एक आती है, ठीक है, वो आधी आधी रोटी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ऐड कर ले, और जो मैंने चीजें बताई हैं कि चाय जो है वो खाने के साथ और खाने के फौरन बाद नहीं पीनी है, ठीक है, वो नहीं पीनी उन्होंने, और उसके बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ऐड। सिंपल सा रूल है वेट लॉस करने का, जैसे जैसे आपकी कैलोरीज कम होती हैं, थोड़ी सी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो ही जाती हैं, ठीक है। और आप वैसे लो कैलोरीज ले रहे हैं और तो आपका वेट जो है वो रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और इससे आपको वीकनेस भी नहीं होती। तो अच्छा, मुझे कुछ लड़कों के मैसेज बड़े आए थे कि आप ये सेशन करवा रही हैं, तो उन्होंने काफी चीजें, मीन कि अक्सर जितने भी ये लड़के होते हैं वो कहते हैं न्यूट्रिशन से और उनसे हमने डाइट प्लान लेनी है, क्योंकि उन जैसे न्यू कोई भी न्यू मेंबर होता है जिम में ज्वाइन करता है और वो स्टार्ट अपनी कर रहा होता है जिम, तो सबसे पहले हर किसी का यही क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये जो प्रोटीन शेक्स हैं हमें ये पीने चाहिए साथ या नहीं पीनी चाहिए, ये अक्सर सवाल सुनने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे, जितने भी ये अपना लड़के और जो भी लोग जिम स्टार्ट करते हैं और मसल्स को बिल्डअप करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, तो क्या हमको बताना चाहेंगे कि क्या ये जो प्रोटीन शेक्स हैं उनके लिए बेहतर हैं या नहीं? देखिए फर्स्टली तो आपको अगर प्रोटीन चूज करना है ना, उसकी रीजन आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर मतलब कि मोस्टली जो है वो प्रो बॉडी बिल्डर्स या जो काफी फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, वो प्रोटीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट जो है वो 68 लगा लें, 65 लगा लें, कितना है, ठीक है। तो आपकी प्रोटीन क्वांटिटी निकलेगी, ठीक है। उसको हम, अगर आप एथलीट हैं तो नॉर्मल पर्सन को हम 0.8 मल्टीप्लाई बाय पर बॉडी वेट देते हैं, ठीक है। तो आपको 1.2 या 1.3 देंगे, ठीक है। अब हमने अप कर दिया प्रोटीन, ठीक है। अब इतनी प्रोटीन, प्रोटीन ले रहे हैं, कोई भी होती है आइसोटी और हाइड्रोलाइज होती है, अगर आप प्रोटीन करना चाह रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके हो, ठीक है, ज्यादा करना है लीन मसल गेन करना है, ठीक है, या थोड़ा सा फैट भी बॉडी को बनाना है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट, ठीक है। सप्लीमेंट यूज कब करने चाहिए, ठीक है। आप एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, आपका खाना जो है वो आप कैरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप इंस्टेंट एनर्जी मिले, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए अगर आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया कि अब एक बंदा उसको 100 से 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो 12 अंडे नहीं खा सकता डेली को, ठीक है। सफेदियां जो है, 12 एग व्हाइट, बेसिकली एग व्हाइट जो है वो प्रोटीन सोर्स है, ठीक है, वो नहीं खा सकता, तो वहां पे हम लोग जो है वो प्रोटीन यूज करते हैं इंस्टेंट,
एक स्कूप जो है वो प्रोटीन का, वो हमें 625 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है 6 अंडों की सफेदियों के बराबर, ठीक है, तो वहां पे यूज करना चाहिए। लेकिन वर्कआउट के लिए कहूंगा कि प्रोटीन शेक या कोई भी सप्लीमेंट्स जो है वो वर्कआउट के बगैर यूज नहीं करने चाहिए। हम सिर्फ पी के तो सही बैठ सही जाएंगे, नहीं, वर्कआउट करके प्रोटीन शेक, प्रोटीन का मतलब है कि बिल्डअप करना, रिकवरी करना, सही सही तो ठीक है, ये रिकवरी लोग होती है जिनके फौरन जितना बाद। सही 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 तो लोग जितना आपने एग्वाइट की बात की है, कुछ लोग जो हैं वो जरा इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट एट अ टाइम जो है वो 10 से 12 12 से 15 जो है वो एग्वाइट खाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए हाँ जरा डेंजरस कॉज करता है। तो उसके बारे में बस अभी उनको गाइड कर दे कि एट अ टाइम कितने सारे जो है वो आपको एडवाइस खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है या जरूरत है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे बताइए जरा, उसके अकॉर्डिंग जरा लोगों को आप जरा गाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आपकी जो है वह निकलती है, इसके लिए एक तो आपको न्यूट्रिशनल गाइडलाइन चाहिए पूरी, ठीक है, जो आपका ट्रेनर है या जो आपका जिम वाला वो एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो काफी सालों से ट्रेनिंग करवा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, बॉडी उसकी भी अच्छी है, बॉडी बना भी रहा है, लेकिन क्या हमारी किडनी के ऊपर लोड हमारी किडनी इतनी बर्दाश्त करती है, ठीक है, सबसे क्योंकि प्रोटीन का जो लोड है, क्योंकि फिल्ट्रेट तो हर चीज ने किडनी से ही होना, ठीक है, तो वो आपने जो है वो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की और एक डाइटिशियन की जरूरत है वहां पे, ठीक है, तो वही जो है वो आपको एग्जैक्ट प्रोटीन कंटेंट आपका निकाल के दे सकता है, ठीक है, आपके ईटिंग पैटर्न को देख सकता है, और कोई भी चीज जैसे मैंने आपको बताया वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, मसल बिल्डअप करना है, तो स्टेप वाइज स्टार्ट होती है, ठीक है, हर 15 दिन बाद एक डाइट प्लान चेंज होता है, आपका सप्लीमेंटेशन चेंज होती है, आपकी ट्रेनिंग चेंज होती है, ठीक है, एक ही चीज जो है वो डेली नहीं करते हैं, ठीक है, एक ही चीज अगर आप पैटर्न से चलते जाते हैं तो वो इफेक्ट नहीं आती। सही। तो अब आप मुझे जरा कुछ एक्सरसाइज बता दें जो उनके नीड्स बताएं ताकि हम, या कुछ एंगल्स बताएं ताकि हम जो घर में लोग इस टाइम आइसोलेशन में हैं मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो इन्होंने वेट लॉस करना है तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप एक्सरसाइज के बारे में बताइए सब। हाँ, सबसे पहले तो एक्सरसाइज जो है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो वेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, अब हम पर्सन का वेट फॉर एग्जांपल अगर 80 है, ठीक है, अगर हम एकदम उसे कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वह नहीं होगी उसे, ठीक है, और उसके जॉइंट्स में भी पेन आ सकती है, उसका नी जो है वो उसमें उसमें कोई पेन आ सकता है, उसका पाँव जो है वो मुड़ सकता है, मोच आ सकती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो फीमेल्स हैं उन्होंने स्टार्ट करना है अपने वॉक से, ठीक है, वॉक करनी है इंटरमिटेंट सुबह और शाम, ठीक है, सुबह करनी है, सुबह उठते साथ जो है वो प्री ब्रेकफास्ट लेना है और उसके बाद जो है वो वॉक करनी है, ठीक है, और वॉक होनी चाहिए 20 से 25 मिनट की, और वो इतनी तेज होनी चाहिए कि उन्हें सांस चढ़े, बस, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करनी, बस इतनी तेज के सांस चढ़े और पसीना वगैरह आए, उन्हें स्वेटिंग वगैरह हो, और फिर शाम को जो है वो असर के बाद और मगरिब से पहले वो वॉक करें, ठीक है, 20 से 25 मिनट, ठीक है, और एक्सरसाइज जैसे ही उनका फॉर एग्जांपल 7 से 8 kg कम हो रहा है फिर सिंपल सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल एक चेयर पे बैठे और जो रॉड है वो या कोई भी स्टिक जो है वो अपने शोल्डर पर रखें और ऐसे ट्विस्ट करें, ठीक है, फर्स्ट ये ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जो सबसे अच्छी है, जो आपकी साइड्स को और होल एब्डोमिनल को जो है वो करे, ठीक है, क्योंकि फीमेल का जो फैट है वो पियर शेप होता है लोअर एब्डोमेन और थाइस के अंदर, ठीक है, उसके बाद वो जंपिंग जैक्स कर सकती हैं, नी अप्स कर सकती हैं और स्क्वाट्स लगा सकती हैं, अगर वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, उनके जो टांगे हैं उनके जो मसल हैं घुटने हैं वो इतने स्ट्रोंग हैं और वेट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो तब वो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज मैंने आपको बताया वेट के अकॉर्डिंग सेट होती है, अकॉर्डिंग पेशेंट होती है, बोल अगर कैसे वेट क्या अगर है, उन्होंने लो वेट अगर गेन करना है तो उसके अकॉर्डिंग और एक्सरसाइज है, और अगर हाँ उन्होंने वेट लॉस हाँ करना है तो उसके अकॉर्डिंग और लॉस करना, एक्सरसाइज हाँ है। हाँ कुछ आपने देखा सही होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं स्किनी होते हैं बहुत ज्यादा, वो हर किस्म बिल्कुल की वो बिल्कुल खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन वेट नहीं गेन होता, देसी घी भी खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, वजन नहीं बढ़ता, किस तरह के पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो मेन चीज क्या है उनकी वो वर्कआउट नहीं कर रहे होते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, मसल्स उनके कभी टूटे ही नहीं होते, पोर्स उनके खुले ही नहीं होते, ठीक है, मसल के सही लिए गेन करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, वेट बेयरिंग वर्कआउट, ठीक है, बॉडी वेट, जिन्होंने अपना बॉडी मसल वेट को पर, गेन करना हाँ है उनके लिए लाजमी है कि पहले वो अपने मसल्स को ब्रेक करें, यानी कि वर्कआउट करके अपने मसल्स को ब्रेक करें, वर्कआउट फिर करते हैं, उसके हिसाब से वो हाँ डाइट लें और वो फिर उनके जो मसल्स वो ऑटोमेटिकली गेन अप होंगे। बिल्कुल ऐसे ही हाँ मसल मसल है ना, मसल में हम वर्कआउट जब कर मसल में वर्कआउट करते हैं ना तो मसल फरस जो है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, फिर सही। हम जब उसके फौरन बाद प्रोटीन लेनी होती है, प्रोटीन इंस्टेंट लेते हैं, क्या मतलब कि आपने वर्कआउट 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर जो है वो लेनी होती है, विदिन 15 मिनट जो है वो लेनी होती है, ठीक तो इसी अकॉर्डिंग इसी है, उसमें जो लोग वेट लॉस करते हैं
उसके लिए क्या है कि उनको क्या फौरन आफ्टर आफ्टर एक्सरसाइज उनको फौरन जो है और वो मसल फाइबर बन उनको फौरन जो है एक्सरसाइज के बाद क्या उनको डाइट लेनी चाहिए या उनके थोड़ा से ब्रेक होना चाहिए? एक्सरसाइज के फौरन बाद क्या डाइट लेनी चाहिए? जी ये उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ जो वेट लॉस करते हैं। मुझे लगता है थोड़े से नेक्स्ट टाइम सिग्नल का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। जी जी हमारे सुन रहे हैं आप? हेलो मुझे लग रहा है इधर सिग्नल का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। हेलो हेलो आपको आवाज आ रही है? हेलो जी 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 अब आ रही है। अच्छा तो एक्सरसाइज के फौरन बाद क्या डाइट लेनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता था वो लोग जो मींस के वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या चीज है, क्या एक्सरसाइज के फौरन बाद उनको कोई ना कोई डाइट लेनी चाहिए या कुछ टाइम बाद लेनी चाहिए? रूल सेम है, रूल सेम है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रूल दोनों चल के सेम है। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपका होना चाहिए। ठीक है, प्री वर्कआउट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर स्वीट पोटैटो भी खाते हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग थोड़े से राइस बॉइल ले रहे होते हैं, साथ चिकन ले रहे होते हैं, ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात होता है। और जो आम बंदे हैं हमारे तो एक एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, एक बनाना ले सकते हैं, पीनट बटर का एक चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट वर्कआउट जो प्री वर्कआउट है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ही एनर्जी प्रोवाइड करनी है हमें, और जो प्री पोस्ट वर्कआउट है उसमें हमें प्रोटीन सोर्स करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे मसल से टूटे उनकी रिकवरी है। ठीक है, तो फीमेल्स ऐसी भी होता है कि वो कहते हैं कि हमारे मसल ना डेवलप हो जाए इसलिए हमें प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन प्रोटीन फीमेल के मसल कभी भी डेवलप नहीं होते। ठीक है, उनको सिर्फ जो है वो उनका फैट जो है वो बर्निंग होती है, चाहे वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें या दूसरी एक्सरसाइज करें। ठीक है, वो इतना आसान नहीं है मसल डेवलप करना बहुत ज्यादा। प्रोटीन सोर्सेज जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है उसमें जो है वो एग वाइट्स आ जाता है, चिकन आ जाते हैं, प्रोटीन शेक्स आ जाते हैं, ये चिकन। सही सही सही। तो अब एज ए न्यूट्रिशन और ये आप लोगों को, मुझे भी और लोगों को भी जरा ये बताएं कि न्यूट्रिशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि ये बेसिकली कितनी इम्पोर्टेंट है। जो बेसिकली सेशन जिसके लिए हमने रखा है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो हर एज के बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बच्चा जो अपनी माँ के पेट में है, प्रेगनेंसी के अंदर एक हो रहा था, वहाँ से लेके जब तक उसने मरना, बूढ़ा नहीं हो जाना, तब तक एज के अंदर उसकी जो है वो न्यूट्रिशन चलती है। ठीक है, तो हर एज की और हर बंदे की और उसके हिसाब से उसकी वेट और हाइट के हिसाब से अपनी अलग ही रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, माइक्रोस की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हर किसी के अलग के हर इम्पोर्टेंट ये है कि जो दवाइयाँ तो हैं वो आपने सारा वक्त ना खाते हैं, दवाइयाँ नहीं खाते हैं, दवाई सिर्फ एमरजेंसी केस में। न्यूट्रिशन जो है वो एवरी थिंग है। ठीक है, और हर टाइम आपको चाहिए बॉडी के लिए, आपको बेसिकली हर फिट रहने के लिए और न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हर चीज़ खाएंगे और रूल्स को फॉलो करते हुए खाएं। आजकल जो है वो फास्ट फूड में है वो बहुत कॉमन हो गया है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट ऑफर्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम आपकी आप म्यूट आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं कह रहा था, आपका जरा माइक को जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज, आपको बड़ा स्लो आ रहा। हेलो, आप सही आ रही है आवाज? ठीक है, अच्छा तो बात ये हो रही थी कि फिर ये जो रेस्टोरेंट्स जो आजकल डिफरेंट फास्ट फूड जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ईटिंग पैटर्न्स खराब हो चुके हैं। ठीक है, एक पीयर प्रेशर भी आ गया, चलो यार अभी इकट्ठे हुए, चलो यार पिज्जा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो जा ही रहे। आप टीनएजर से पूछते हैं कि दूध कितने कप पीते हैं, दूध नहीं वो पीते, चाय पीते हैं। ठीक है, चाय बड़े शौक से सारे पीते हैं। और आप किसी से पूछे कि आप फीमेल से पूछ रहे हैं फ्रूट्स कब खाती हो। ठीक है, फ्रूट्स के लास्ट टाइम कब खाया था, मोस्टली जो है वो वीक में एक या दो दफा फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, पीनट बटर इस तरह की चीज होती है वो भी मोस्टली लोगों को नहीं बताता। That means कि जो जंक फूड है, हम दूसरी जो हमारे लिए हेल्दी फूड है उसकी बजाय हम जंक फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी न्यूट्रिशन के लिए भी डेंजरस भी होती है।
हमें चाहिए कि हम ज्यादा हेल्दी फूड की तरफ आए और जो हेल्दी मील्स है हम वो खाने की कोशिश करें। सब सब चीजें खाएं जो घर में बनती हैं, ठीक है। फ्रूट्स जो हैं वो आप डेली एक से दो सर्विंग, ठीक है। फ्रूट खाने का नहीं दिल करता आजकल, तरबूज है तरबूज खाएं, फ्रेश जूस बना के पिए आप, जूस फ्रूट का फ्रूट चाट मिक्स फ्रूट करके खाएं, एग लें, चिकन लें, कीमा हफ्ते में दो से तीन दफा लें। फीमेल्स जो है वो ज्यादातर जो है वो वेजिटेरियन भी होती है, कुछ होते हैं चिकन ही खाते हैं, मटन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, आपको दूध का एक ग्लास भी ला के पीना है, आपको फ्रूट भी डेली खाने हैं सारे, और आपको मील पोर्शन भी लेना है, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में से रोटी या चावल को एट अ टाइम चूज करना है, ये नहीं कि रोटी भी ले रहे हैं और हम चावल भी एक साथ खा रहे हैं। हर चीज का बैलेंस करके एक लिमिट के अंदर लेके आपको हर फूड ग्रुप की चीजें लेनी है पूरे दिन के अंदर, ठीक है। और रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली हम लोग का रिक्वायरमेंट का तो पता नहीं है, हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट जो है वो आपका एक डाइटिशियन ही सेट करेगा, ठीक है। आपका कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर या जनरल फिजिशियन रिक्वायरमेंट नहीं सेट करेगा, एक जनरल गाइडलाइंस दी होती है कि इधर से मतलब अगर ग्रेन है तो उसकी कितनी सर्विंग्स लेनी है, फ्रूट की कितनी सर्विंग्स लेनी है, और डेयरी चीजों की कितनी सर्विंग देनी है, फैट कितनी सर्विंग देनी है, न्यूट्रिशन गाइडलाइन होती है माय पिरामिड के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू जो है वो हम सेट करते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट एफिकेसी देखते हैं, पेशेंट अवेलेबिलिटी देखते हैं, और फिर जाके एक जो है वो डाइट जो है वो एक पर्सन की सेट होती है। मतलब मेरे मुताबिक एक हम सबको एक ना एक दफा जो है वो एक डाइटिशियन के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मैं अच्छा इस एज में मुझे क्या चीज जरूरी है, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको क्या बॉडी की नीड क्या है और आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, कितने मसले हो सकते हैं आने वाले वक्त में सिर्फ डाइट की वजह से। अब मोस्टली डिजीज आप देखें, जितनी भी डिजीज है इसकी मेन काज है ना उसके अंदर, एक उनके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर एक लास्ट में आता है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो एक फैक्टर है इस कॉज का, आयरन की कमी जो है वो न्यूट्रिशन की वजह से होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी के अंदर औरत को या आम जिंदगी के अंदर किसी भी पर्सन को, ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है पाकिस्तान में, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पैटर्न ठीक है, इस तरह पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आलू वाली चिप्स खा रहे हैं, कहाँ से कैल्शियम और विटामिन डी आ रहा है, सोचती थी हम मेरे सलाद हम लोग खाते ही नहीं है, ठीक है। या सलाद सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए होता है कि हेल्दी फूड आर स्टार्ट करके वो पिक्चर लगा के दोबारा हम लोग खाना ही नहीं आता। चलें हमारे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आज का सेशन बड़ा मजा, बड़ी मजे की चीजें सुनने को मिली आपसे, और बाकी काफी नॉलेज में हमारी इजाफा हुआ अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन। तो हमें इंशाल्लाह इनके लिए हम दोबारा सेशन कंडक्ट करेंगे और आपको जरूर दोबारा तंग करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन और डाइट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और देखता बाकी इंशाल्लाह। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। होप सो कि आप लोग सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, काफी नॉलेज मिला होगा, और आइसोलेशन में बैठ के आप लोगों को किस तरह अपने स्ट्रॉन्ग करना है और किस तरह इस कोविड 19 में इस वायरस से आपको लड़ना है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ और आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को लाजमी गौर से सुनिएगा और इसके ऊपर फॉलो अप करिएगा, ताकि आप लोगों को अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। थैंक यू सो मच, एंड कर दिया मैंने।